हेलो नमस्कार दोस्तों, टैग चैंपियन किंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला दोस्तों, यदि आप अपने ईमेल आईडी के पासवर्ड को भूल चुके हो, और दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने ईमेल आईडी के पासवर्ड को किस तरीके से पता कर सकते हो। दोस्तों आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं, तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखना और समझना आप किस तरीके से अपने ईमेल आईडी के पासवर्ड को पता कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो शुरुआत करने से पहले दोस्तों चैनल पर नए होंगे, वीडियो के नीचे दोस्तों लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, दोस्तों सबसे पहले आपको क्या काम करना है, आपको इसको काला कर देना है और दोस्तों नोटिफिकेशन को ऑल कर देना है। इससे क्या, जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या काम करना है, आपको सबसे पहले अपनी जीमेल आईडी को ओपन कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर अपनी जीमेल आईडी को ओपन करना है। फिर दोस्तों आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको प्रोफाइल पिक पर क्लिक कर देना है। दोस्तों यदि आप अपनी ईमेल आईडी के पासवर्ड को भूल चुके हो, दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, ऐड अनदर अकाउंट, दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपके सामने यहाँ पर इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, आपको सबसे ऊपर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा दोस्तों गूगल के नाम से, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपने फ़ोन का जो पासवर्ड है वो डाल देना है। पासवर्ड डालने के बाद थोड़ा सा लोडिंग लेने के बाद थोड़ा सा आप बिल्कुल नए इंटरफेस पर आप आ जाओगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो को आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है और समझना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। दोस्तों थोड़ा सा लोडिंग लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको वो ईमेल आईडी डालनी है जिस ईमेल आईडी का पासवर्ड भूल चुके हो। दोस्तों यहाँ पर आपको वो ईमेल आईडी डाल देनी है, आपकी जो भी ईमेल आईडी यहाँ पर होगी। दोस्तों ईमेल आईडी डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन देखने को मिलेगा नीचे की साइड नेक्स्ट के नाम से, आपको दोस्तों नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों थोड़ा सा लोडिंग लेने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इंटर योर पासवर्ड। ठीक है दोस्तों, यदि आप पासवर्ड ही भूल चुके हो तो दोस्तों आपको पता कैसे करना है, दोस्तों यहाँ पर नीचे की साइड एक ऑप्शन देखने को मिलेगा फॉरगेट पासवर्ड। ठीक है, तो दोस्तों सिंपल आपको क्या काम करना है, आपको इस पे फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको बता रहा है इंटर लास्ट पासवर्ड। दोस्तों आपके दिमाग में जो आपने अपनी ईमेल आईडी में जो लास्ट बार पासवर्ड डाला होगा वो आपको यहाँ पर डाल देना है। दोस्तों यदि आपके वो भी याद नहीं है, आपको यहाँ पर कुछ भी डाल देना है। ठीक है दोस्तों, और आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इतना काम करने के बाद दोस्तों थोड़ा सा लोडिंग लेगा और दोस्तों आप एक नए इंटरफेस पर आ जाओगे। दोस्तों एक एक स्टेप को आपको ध्यान से देखना है और समझना है। दोस्तों आज आपको पता लग जाएगा कि आप अपने ईमेल आईडी के पासवर्ड को किस तरीके से पता कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब आपके सामने ऐसा इंटरफेस नज़र आ जाएगा। तो दोस्तों जो आपकी ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी पर जो मोबाइल नंबर आपने डाल रखा होगा वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो आपने यदि अपनी ईमेल आईडी लगा रखी होगी तो वो उसके बाद के अक्षर दिख जाएंगे, और यदि आपने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लगा रखा होगा तो आपको यहाँ पर उसके मोबाइल के अक्षर के दो अक्षर बाद के दिख जाएंगे। तो आपको यहाँ पर पहचान लेना है। और दोस्तों यहाँ पर यदि आपको कॉल के जरिए से अपनी वेरिफिकेशन कंप्लीट करनी है तो आप कॉल के जरिए से कर सकते हो, और दोस्तों यदि आपको मैसेज के जरिए से करनी है तो आप टेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। इस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा दोस्तों, और आपके सामने यहाँ पर जो ईमेल आईडी है वो आपके इसी नंबर पर एक ओटीपी भेज देगा। ठीक है, ओटीपी आप यहाँ पर वो डाल देंगे या आपकी जो ईमेल आईडी का नंबर आपके फ़ोन में है वो अपने आप ही इसको ले लेगा। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, अपडेट पासवर्ड, आपको इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, क्रिएट पासवर्ड, दोस्तों यहाँ पर आपको वो पासवर्ड डाल देना है जब आप अपने फ़ोन में अब बनाना चाहते हो। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पर पासवर्ड डाल देना है सबसे पहले। तो दोस्तों पासवर्ड डालने के बाद आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, सेव पासवर्ड। ठीक है, तो दोस्तों आपको सिंपल आपको यहाँ पर सेव पासवर्ड पे क्लिक कर देना है। दोस्तों आई एग्री का ऑप्शन आएगा आपके सामने, आपको आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों इस तरीके से आप अपने ईमेल आईडी के पासवर्ड को चेंज कर सकते हो, पता कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब आपके सामने जो आपकी ईमेल आईडी है आपके फ़ोन में लॉगिन हो चुकी है। देखो दोस्तों आपकी जो ईमेल आईडी आपके फ़ोन में इस तरीके से लॉगिन हो जाएगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है दोस्तों, मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेकर इस चैनल पर रोज लेकर आता रहता हूँ। चलिए दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।